नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। तकरीबन 30 साल तक मंदिर की राजनीति भारत में चली, हिंदू मुस्लिम बंटवारा किया गया। जब यह हो सकता है और कोई पार्टी सत्ता तक पहुंच सकती है, तो अगर कोई नेता यह कहे कि भारत की अर्थव्यवस्था तब ठीक हो जाएगी जब नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की चित्र लगा दिया जाएगा, तो इसमें क्या अतिशयोक्ति है? ये भारतीय समाज ही है। लेकिन फिर भी भारतीय राजनीति की मनोदशा क्या है, वो किस तरह से करवट ले रही है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनिंदो चक्रवर्ती। तो चलिए उन्हीं से समझते हैं। तो सर, एक बात होती है कि जब भी किसी से कुछ कहना होता है तो हम देखते हैं कि सामने वाले की मनोदशा क्या है, हम क्या कह बिल्कुल सकते हैं और क्या नहीं कह सकते हैं। लेकिन देखती है कि अब भारतीय राजनीति की जो दशा है वो जमीन कैसी है कि वहां पर एक सूबे का मुख्यमंत्री यह बात कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए उस पर आप गणेश और लक्ष्मी का चित्र लगा दीजिए। तो थोड़ा ये बताइए कि कैसे, क्या क्या है भारतीय राजनीति इस समय, उसकी जमीन क्या है कि ऐसी बातें हो जाती हैं। देखिए, पहली बात है तो मैं दो चीजों पे आपको एक बात पे टोकूंगा। आप कहते हैं एक सूबे के मुख्यमंत्री, लेकिन वो खुद को प्रधानमंत्री से कम नहीं मानते, और उनका जो अप्रोच रहा है वो शुरू से ऐसा रहा है कि मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। तो इसीलिए आपको याद होगा कि वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने गए थे वाराणसी, और वहां से वो खड़े भी हुए थे, हार गए, लेकिन उनका उनकी कोशिश रही शुरू से ही अपने आप को नेशनल एक एजेंडा पे रखने की। और आम आदमी पार्टी की जो एक एटीट्यूड रही है कि मीडिया कवरेज बहुत जरूरी और न्यूज में बने रहना बहुत जरूरी है। अब आप देखिए कि अगर आप कहेंगे कि हमारे देश में रोजगार नहीं है, हमने भी ऐसे बहुत शो किए हैं अजय, लेकिन हमारे उन शो का कोई भी व्यूअरशिप नहीं आता है, आपने भी बिल्कुल नोटिस किया होगा। हम कोई भी ऐसे चीज पे बात करते हैं जिसमें लोगों को बांटा जा सकता है, जिसमें लोगों में आक्रोश, थोड़ा सा उत्साह, थोड़ा सा इमोशन बढ़कर आता है, ऐसे बातों पे लोग हर वक्त बात करते हैं, देखना भी चाहते हैं। तो आपको मीडिया कवरेज आज के डेट पे चाहिए। तो आप अगर देखिए कहेंगे कि देखिए आदिवासी इलाकों में बहुत अनाचार हो रहा है, बिल्कुल या हमारे देश की अर्थव्यवस्था ऐसी है कि हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, या इम्पोर्ट ज्यादा बढ़ गया है, या आप कहेंगे कि गरीबों को रोजगार नहीं है, ऐसे कौन देखेगा? बहुत बोर टॉपिक होता है, कोई जानना ही नहीं चाहता। तो आप अगर आज हम भी बात कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने और आम आदमी पार्टी ने सीधा मुद्दा छीन कर हमारे दिमाग में डाल दिया है कि मुद्दा तो है ये कि नोट पर लक्ष्मी और गणेश जो जी का वो होना चाहिए, तस्वीर। या तस्वीर होनी चाहिए, क्योंकि उससे देश की तरक्की होगी। अब क्या अरविंद केजरीवाल ये मानते हैं, हमें क्या बता, हम कैसे कह सकते हैं कि वो आईआईटी गए थे, इसका मतलब ये है कि उनको नहीं लगता कि कोई किसी भी देव देवताओं की फोटो तस्वीर नोट पर छापने से तरक्की नहीं हो सकता है? उनको लगता है, वो सचमुच मानते हैं। जैसे कि आतिशी मार जो हैं, जिनको कहा गया था कि दिल्ली के स्कूलों का उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, और काम के साथ साथ उस काम का प्रचार भी उन्होंने 10 गुना किया है, ये जो उन्होंने वो भी कह रहे कि कम से कम ये तो मान लो वो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आई है तो क्या हुआ, इसका मतलब थोड़ी ना है कि वो नहीं मानती है। अब देखिए बात ये है कि आम आदमी पार्टी जानती है कि आज के डेट पे आपको सुर्खियों में रहना है, तो आपको ऐसी कोई बात कहनी होगी जिससे लगे कि आप बीजेपी से भी ज्यादा हिंदू हैं, तभी आपको लोग देखेंगे। आप कहेंगे अगर कि हम इस इन चीजों पे बात नहीं करना चाहते, हम इसमें पढ़ेंगे ही, तो आपको कौन कवर करेगा? कौन? अभी गुजरात का इलेक्शन आने वाला है, आपको हिंदू से भी ज्यादा हिंदू बनना पड़ेगा वहां पर वोट लेने के लिए। कांग्रेस को हराना है, कांग्रेस का वोट इनको लेना है, तो कैसे ले सकते? तो यही बात है कि ऐसे जो हम लोगों को लग सकता है कि बड़ी अजीब बात, लेकिन एक एक क्लास है हमारे देश जो ट्रेडिंग क्लास है, जो अपर कास्ट में एक क्लास है, जो मानते हैं कि ऐसी चीजें होती है, जो सुबह उठ के पूजा करते हैं फिर व्यापार दुकान खोलते हैं, वो मानते हैं, तो उनको भी ये अपील करता है। और सबसे बड़ी बात है, मीडिया को बहुत अपील करता है। अपील करता है।
आपने एक बात कही कि ऐसी ही बातें जब की जाती हैं तो वो बातें जनता तक पहुंचती हैं, लोग उनको सुनते हैं, बेरोजगारी महंगाई पर वो बातें बोर हो जाती हैं, पहुंच नहीं पाती हैं। तो क्या इसका मतलब है कि राजनीति की जो प्रतिस्पर्धा होती है, जो राजनीतिक पार्टियां प्रतिस्पर्धा करती हैं, वो भारतीय समाज में तभी सफल हो पाएंगी जब वो ऐसी बात करें? क्या इसी तरीके की बातों से कोई पॉलिटिकल सेंस निकलता है? वैचारिक बातें या जन सरोकार की बातों से कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं निकलता है? पहली बात है ये कोई ये दो चीजें हमें समझना चाहिए। एक तो है कि क्या असली मुद्दे जो हम कहते हैं उन पर फोकस करने से लोग बोर हो जाते हैं, एक तो ये है, या मीडिया बोर हो जाता है। सीधी बात है, आज आपको क्यों भारत जोड़ो यात्रा के बारे में कुछ नहीं पता? बिल्कुल मैं किसी से पूछो, आपको कोई आइडिया है भारत जोड़ो यात्रा में क्या हो रहा है? मैं उनसे इसलिए पूछूंगा क्योंकि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसका कारण ये है कि मीडिया इसको कवर ही नहीं करती। करती भी है तो कहेंगे कहीं पे कि राहुल गांधी ने कुछ गलत कह दिया होगा, या यहाँ पे देखिए ये हो गया वो हो गया, ये सब करेगी, लेकिन मीडिया कवर करने को तैयार नहीं है। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप ग्राउंड लेवल पे जाके जोड़िए, हो सकता है। हम आज जानते हैं कि बहुत सारे जो सोशल मीडिया एंटिटीज हैं उन पे भी सरकार ने दबाव दबाव डालती है पूरी दुनिया में, और उनको सरकारों को मानना पड़ता है, थोड़ा बहुत उन्हीं से लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो मीडिया, सोशल मीडिया पर जो कंट्रोल है, जो लोग इसको कंट्रोल करते हैं, वो ही तय करते हैं कि लोगों तक क्या पहुंचेगा। हमने कभी ये जांच करके नहीं देखा कि अगर मीडिया खुली तौर पे इन मुद्दों पर फोकस करेगी, क्या लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे, कौन जानता है। 2011 से लेके जब मीडिया पूरा रुपए रुपी इन्फ्लेशन 2G स्कैम कॉमन, इस पे फोकस कर रही थी, क्या लोग नहीं देख रहे थे? तो आज के डेट में क्यों नहीं देखेंगे? तो बात तो यही हुई ना कि मीडिया क्या करेगा, और मीडिया को जो ओन करते हैं, जो चलाते हैं बड़े बड़े कॉरपोरेट, वो क्या दिखाना चाहते, और उसमें आम आदमी पार्टी, ये मैं कहूंगा उन्होंने एक पासा फेंका है, और ये जो है वो मीडिया कवर कर रही, हम भी कवर कर रहे। एक बात होती है कि अगर आपको सत्ता तक पहुंचना है तो बहुमत चाहिए आपको, और अगर कोई व्यक्ति कहता है, जैसे भारतीय जो समाज है जिसमें तार्किकता भी है लेकिन अंधविश्वास ज्यादा है, धार्मिकता ज्यादा है, और वहां पर कोई कहता है कि 130 करोड़ लोग यह चाहते हैं कि चित्र सचित्र बने नोट, उसमें लक्ष्मी गणेश की तस्वीर लगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था ठीक होगी। इस तरीके से जब वो बहुत दूर तक पहुंचने की कोशिश करता है, एक हिंदू जनमानस को छूने की कोशिश करता है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बहुमत होता है, बहुसंख्यकवाद होता है और ये लोकतंत्र होता है, इन सबके बीच घालमेल ऐसा है कि कोई भी चाहे तो अपने विचार को छोड़कर बहुमत पाने के लिए ऐसी ही बात करेगा? देखिए दो चीजें, एक तो आपको ये शुक्र मानना चाहिए कि हमारे देश की अभी पॉपुलेशन लगभग 138 करोड़ है, तो 8 करोड़ लोगों को उन्होंने छोड़ दिया है, जिनमें से मैं भी हूं, हो सकता है आप भी हैं, तो आप नहीं कह सकते मैं तो नहीं मानता, उन्होंने तो 8 करोड़ छोड़ ही दिया था, आप उसमें से, ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग कहते हैं देखिए बहुमत, हम तो करना चाहते हैं ये, बिल्कुल लेकिन हमें वहां पहुंचने के लिए रास्ता लेना पड़ेगा, ये वो अपने आप को बहुत चतुर समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि वो क्या बनेंगे, वो रास्ता तय करता है, वो क्या बने, रास्ता बना देता है उनको जो वो बनते हैं, बहुत सही। उनका जो लक्ष्य है वो कहीं और चला जाता है। तो लक्ष्य जो भी उनका था पहले, उन्होंने जो रास्ता चुना है उस पर वो यही बन सकते हैं और कुछ नहीं बन सकते। और अगर आप वो सोचते हैं कि इस देश में जहां पे अल्पसंख्यक लोगों में एक डर का माहौल है, आप किसी से भी बात करें वो डरते हैं, आज वो ये भी नहीं कहेंगे कि हम डरते हैं, क्योंकि वो इतना डरते हैं। उस वक्त आप हिंदू आइकोनोग्राफी यूज करेंगे, आप मेजोरिटेरियन आइकोनोग्राफी यूज करेंगे, तो आप अगर मानते हैं कि उससे आप ऐसे रोड पर पहुंचेंगे जहां पे डेवलपमेंट होगा, कोई करप्शन फ्री राज होगा, तो मैं मानता हूं कि आप अपने आप को चतुर समझते हैं, सभी को उल्लू समझते हैं, और मैं, हो सकता है कि वो नहीं है, शायद यही वो मानते हैं, और शुरू से ही इसी लक्ष्य में, वो तो कुछ लोग जो हैं जिसको हम लिबरल कहते हैं,
जो भाजपा के खिलाफ हैं और उनको लगता है कि कांग्रेस तो हारेगी हारेगी, उन लोगों ने आपको खड़ा करके ऐसे किया था कि अरे यही है आंसर, अब उनका प्रॉब्लम है। अरविंद केजरीवाल ने नहीं कहा था पहले भाई कि मैं कुछ और हूं, है ना। हाँ एक चीज जरूर है कि आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता होते थे, जो लोग स्ट्रेटेजिस्ट होते थे, वो देख कहते थे कि कांग्रेस की गलती ये है, ये हिंदू मुसलमान वाले जो डिबेट है उसमें फंस जाते, हम उसमें जाते ही नहीं, हम उसमें बात ही नहीं करेंगे। वहां वो दिन थे और आज का दिन है, आप देख लीजिए हुआ क्या। और ये कोई नई चीज नहीं, पिछले 2-3 सालों से जो आम आदमी पार्टी के जो स्टेटमेंट्स रहे हैं ऐसा ही रहा, चाहे वो सीए पर हो, आपको याद होगा कि पुलिस हमारे अंडर होती तो हम एक दिन में 1 घंटे में साफ कर देते, कुछ भी हो उनका स्टेटमेंट बिल्कुल ये है कि हम बीजेपी से भी ज्यादा हिंदू पर के दिखाएं। शाहीन बाग पर पूरी तरह से चुप्पी थी जेएनयू वाले मसले पर भी। हाँ, आपने एक बहुत अच्छी बात की जिसके गांधी भी कहा करते थे कि अगर साधन पवित्र नहीं है तो साध्य कभी पवित्र नहीं हो सकता। साधन पवित्र होना चाहिए, लेकिन बात आगे नहीं, आकर मैं मेरा फर्क ये है कि आप कह रहे हो वो पवित्र नहीं है साधन, बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि वो रास्ता गलत हाँ, है। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने कब कहा था कि हमारा कोई दूसरा रास्ता? आतिशी और अरविंद केजरीवाल को ध्यान से सुनिए तो वो जो बात कह रहे हैं वो एक तरह की ऐसी बैटिंग कर रहे हैं, एक ऐसा पिच बना रहे हैं जहां पर हाँ आके भारतीय जनता पार्टी जवाब देते समय फंस जाए। इसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, लेकिन बात यह है कि क्यों फंसेगी, अब कौन रोकेगा अगर देवी देवताओं के वो इधर छाप दिए गए। मैंने कल देखा कोई एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, और उन्होंने ट्विटर पे डाला हुआ है कि इंडोनेशिया जो कि एक, या मलेशिया, इनमें से एक जो जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, वहां पर भी गणेश की जो मूर्ति है वो नोट पर है, तो हमारे देश में क्यों नहीं किया जाए। तो बात यह है कि लोग ऐसे मुद्दों पे वो बीजेपी को कहना चाहते हैं कि देखिए उनका डर क्या है कि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को एंटी हिंदू बना देगी, तो उससे पहले ही हम ऐसे हिंदू बन जाते हैं कि आप कुछ कह ही नहीं सकते। तो ये बात आम आदमी, अब बात रही कि ये जो पॉलिटिकल स्पेस है आज के डेट पे वो पूरा एक तरीके से हिंदुत्व के ओर शिफ्ट कर गई, और हिंदुत्व जो हम एक टाइम पे कहते थे आज उसको राष्ट्रवाद कहा जाता है, तो राष्ट्रवाद पे शिफ्ट कर गई है वो पूरा डिस्कोर, और वो ही एक सेंटर बन गया है, जो उसके लेफ्ट पर है वो बचे कुचे कुछ लोग हैं। अब जो आम आदमी पार्टी है उनको लगता है कि इसमें इस साइड पे कोई फायदा ही नहीं है, ये कौन है, ये मैं कहूंगा तो हो सकता है कह भी रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा। ये भी देखिए कि अगर वो कुछ सवाल उठा रहे हैं या कह रहे हैं जो असली मुद्दे हैं, जिसको हम असली मुद्दे कह रहे हैं, हो सकता है वो मीडिया में आ ही नहीं रहे, हमें पता नहीं चल रहा है, या कोई ट्वीट आ गया जो हमने देखा ही नहीं, वो भी तो हो सकता है ना। तो मैं कह रहा हूं कि उनको भी पता है कि आज के डेट में पॉलिटिक्स जो कंट्रोल करते हैं, जो राष्ट्र को कंट्रोल करते हैं, वो और कुछ बात करने नहीं देंगे, तो क्या फायदा, क्योंकि सत्ता ही गोल है, सत्ता में आने के बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें आपको याद होगा दिल्ली में हुआ था 2015 से चल रहा है कि हर जगह इंटरनेट हो जाएगा, वाईफाई होगा, हर जगह सीसीटीवी कैमरा, हर जगह औरतों की जो बहुत सुरक्षा, हर जगह मोहल्ला क्लिनिक इलेक्शन से पहले शुरू होते बिल्कुल। और फिर थम जाते। हाँ, आप जानते हैं कि दिल्ली में कोविड के टाइम में ऑक्सीजन का क्या हाल हुआ। हाँ सेंटर उस पे दाई हो सकती है, लेकिन दिल्ली सरकार भी कुछ कर नहीं पाई, सीधी बात। तो जब आप जिन मुद्दों पर जीत कर आए हैं, आपको लगता है कि उस पे आप उस रेट पे नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, जो रेट है डिलीवरी का आम आदमी पार्टी का वो पहले के सरकारों से कुछ खास बेहतर नहीं है। कुछ चीजों में उन्होंने परफॉर्म किया है, लेकिन बाकी चीजों में पहले के सरकारों ने परफॉर्म किया। देखिए अजय, जब 2015 में दिल्ली में इलेक्शन हुए थे तब लोग साफ कहते थे कि हम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को चाहते हैं और सेंटर में, केंद्र में नरेंद्र मोदी को चाहते हैं, और उसका रिजल्ट आपने 2019 में भी देखा कि एक तरीके से जहां पे सोचा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा करेगी,
लेकिन 2019 में सभी ने दिल्ली में बीजेपी को वोट दिया, और उसके बाद तुरंत बाद दिल्ली के इलेक्शन में एक साल बाद फिर से बहुमत, एक एक ओवरवेल्मिंग मेजोरिटी आम आदमी को पार्टी को दिया उन्हीं लोगों ने जिन्होंने नरेंद्र मोदी को 2019। तो जो आम आदमी पार्टी का सपोर्ट बेस है और बीजेपी का सपोर्ट बेस, ये अलग नहीं, ये समझना भी जरूरी है। बिल्कुल, कहा जाता है कि जब आप विचारधारा को लेकर के बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हाँ इनका पॉलिटिकल अगर हम देखें तो ये वोट नहीं दिलवाती आपको। जो राजनीति लड़ी जाती है बहुत ही सतही स्तर पर, स्थूल स्तर पर, जैसे बात कर दी गई फंसाने के लिए, बहुत लोग जो कह रहे हैं कि आप तस्वीर तस्वीर पर फोटो लगा दीजिए, तो अगर अपने आपको आप हिंदुत्व मानते हैं, हिंदुत्व के समर्थक पार्टी मानते हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते? अगर ऐसा करेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये जो वाक्पटुता है, इस तरीके से बहुत सतही बातें करके राजनीति होती है और हम इस तरीके से करेंगे, इस तरह से हमें वोट मिलता है, ये वाली बात को आप कैसे देखते हैं? इस तरह की बातों को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि आप कह सकते हैं कि आज के डेट पे ये नहीं करेंगे तो हमारा कवरेज नहीं होगा, हमारा कवरेज नहीं होगा तो हमारी बात लोगों तक नहीं जाएगी, अगर हमारी बात लोगों तक नहीं जाए गई तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते, आप कह सकते हैं। लेकिन एक चीज होता है कि आपकी एक पार्टी की नीति है, बिल्कुल वो नीति सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए नहीं होता। आप एक चीज देख लीजिए, आरएसएस हो या जनसंघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, ये जो पार्टी है ये 70 साल तक इलेक्शन जीत नहीं पाई ना, तो सत्ता में नहीं आए, 70 साल नहीं उससे कम, लेकिन 60 साल तक तो नहीं आ पाई, या 50 साल तक नहीं आ पाई, थोड़ी देर 1999 52 साल तक नहीं आ पाई सेंटर। लेकिन क्या उन्होंने अपना अपनी नीतियां छोड़ दी थी? उनका आइडियोलॉजिकल स्टैंड तो वहीं का वहीं रहा ना, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके आप कोलिशन करेंगे वो एक अलग बात, लेकिन आज का जो बीजेपी है, आज की जो बीजेपी है जो और ओरिजिनल आरएसएस है, उसमें डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, वो दुनिया बदल गई है, भारत बदल गया है, तो आज उनको चांस मिला है सत्ता में आने का, लेकिन सत्ता में आने के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत इंजीनियरिंग जरूर किया है, लेकिन अपना पूरा चेहरा बदलने दिया। तो नीतियां जरूर रहेंगी, कभी आप जीतेंगे कभी आप हारेंगे, लेकिन आप पॉलिटिक्स में क्यों है अगर आपकी नीतियां नहीं? अब क्या करने आ रहे हैं जो आप जो कोई और नहीं कर सकता? आप में क्या है, क्या पटुता है, क्या कुशलता है जो आप करके दिखा सकते हैं जो और कोई नहीं कर सकता? और जो आप कह रहे हैं कि आप कोई भी करप्शन होने नहीं देंगे, ये हो नहीं सकता, करप्शन के बिना हमारी हमारा देश क्या, कोई भी देश नहीं चल सकता, जो भी सत्ता में है उनको करप्शन से मुंह हटा के उसको अलाव करना पड़ेगा, ये आम आदमी पार्टी भी जानती है, सभी जानते हैं।